और सभी मीडिया के साथियों का स्वागत है। बड़ी संख्या में इस प्रेस के कार्यक्रम में कार्यकर्ता भी, उन सबका भी स्वागत है। सभी आप लोगों को जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जारी है। पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी आज का ये कार्यक्रम बहुत सारे अपने युवा लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए शुरू किया है। और आज बहुत बड़ी संख्या में हमारे जो युवा कार्यकर्ता हैं, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े युवा कार्यकर्ता हैं, वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और आज हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि खेलों की दुनिया से बहुत प्रोमिनेंट जो हस्तियां हैं वह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और योगा के फील्ड से लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और हमारे वनांचल से बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। बहुत कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। मेरा आग्रह है भारतीय जनता युवा मोर्चा की हमारी अध्यक्ष हैं पूनम महाजन जी, उनसे कि सभी कार्यकर्ता जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं उनका परिचय कराएं और उनका सम्मान करें। धन्यवाद अनिल बलूनी जी, आदरणीय अरुण सिंह जी, मेरे युवा मोर्चा की टीम, सौरभ चौधरी जी, अतुल कुमार जी, यहाँ पे बैठे हुए सारे मीडिया के सारे मित्रों। संगठन पर्व की शुरुआत 6 जुलाई से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की। हम सब फिर से भारतीय जनता पार्टी को जिस रूप से राष्ट्रीय रूप से जनता ने प्यार दिया, जनता चाहती है सिर्फ एक बार वोट करके नहीं तो एक सदस्य बन के भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े। और हम इस रूप को हैशटैग बीजेपी इसलिए कह रहे हैं कि मैं भाजपा, हम भाजपा बनना चाहते हैं। बीजेपी का अर्थ ही बी प्रोग्रेसिव, बी इंडियन, बी अ स्ट्रॉन्ग सिटीजन, बी प्रोग्रेसिव, बी टेक द आइडिया फॉरवर्ड। इन विचारों को लेके हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व में सदस्यता अभियान से जुड़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इसकी 6 जुलाई को शुरुआत की तभी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि अच्छे रूप से ये सदस्यता अभियान आगे बढ़ाएंगे। और उसके बाद रविवार को एक सारी मोर्चाओं की बैठक हुई, उस बैठक ने युवा मोर्चा ने एक रूप से हमने चैलेंज लिया और कहा कि आने वाली सदस्यता अभियान में, क्योंकि इस देश की जनसंख्या 60% युवा है और इस देश के एस्पिरेशनल इंडिया के विचारों के साथ अपने विचारों को जोड़ना चाहती है, उस रूप से हम चाहते हैं कि जितनी सदस्यता होगी उसमें 60% सदस्यता ये पूरी तरफ से युवा मोर्चा की ओर से होगी और युवा ही इस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे। जब से हमने शुरुआत की हमें बहुत अच्छे रूप से लोगों से उत्साह और प्रोत्साहन मिल रहा है। कल भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में हमने एक छोटा सा कार्यक्रम और एक सिम्बॉलिक रूप से उसकी कैंपस से शुरुआत की। हम सिर्फ कैंपसेस नहीं, कैंपस की सारी युवा छात्रा संगठनों के साथ जुड़ के हम कैंपसेस जाएंगे, कैंपसेस में हम हॉस्टल्स में जाएंगे। सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी युवा, जो शहरों में बसा हो, गाँव में बसा हो, सेमी अर्बन सेमी रूरल एरिया में हो, जो चाहता है कि मोदी जी के इस एस्पिरेशनल इंडिया के साथ मेरी भी एस्पिरेशन जुड़े, ऐसे सारे युवाओं को इस देश के साथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ के हम आगे बढ़ने वाले हैं। उसी रूप से इस बार हमने कल JNU में 500 स्टूडेंट्स ने हमारे साथ सदस्यता की। आज दिन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम ऐसे युवाओं के सदस्य बना रहे हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। कुछ कुछ लोगों ने अपने परिवार की आहुति दी है। जम्मू कश्मीर में मैंने परसों अपने भाषण में कहा, जब हम श्रीनगर में पहली बार युवा मोर्चा के कार्यक्रम में गए, वहाँ पे हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष गौहर भट्ट की हत्या की गई क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ था। आज उनका परिवार हमारे साथ जुड़ना चाहता है। खुद आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी उनके परिवार से मिले। बंगाल में हमारे बहुत कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हुए, उनकी हत्या हुई, उनके परिवार हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मैंने सोचा कुछ परिवारों का और कुछ ऐसे हमारे युवाओं का हम नाम लें जिन्होंने कहा कि हम इस विचारधारा को एक जगह सीमित न रखते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं जिनका नाम लूँ वो आ जाए। सो वी स्टार्ट फ्रॉम फ्यू पीपल। डॉक्टर जावेद अहमद भट्ट फ्रॉम पुलवामा कश्मीर वैली हैज़ अ डॉक्टरल डिग्री फ्रॉम AMU।
He is an active social worker in the valley, has refused to bow down in divisive forces. His younger brother, Shabir Bhatt, was martyred by terrorists in 2018 on the eve of Eid. क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे. आज हम खुश हैं कि जावेद अहमद भट्ट का हम स्वागत कर रहे हैं. मैं तीन चार लेती हूँ. स्वागत है आपका. बहुत बहुत धन्यवाद. Zahoor Ahmed and Umair Ahmed are sons of BJP's district vice president late Gul Mohammed Mir, jinko terrorist ne mara tha. They witnessed their father being murdered in front of their eyes. Wo chahte hain ki pitaji ka jo sapna tha usko hum pura kare aur Bhartiya Janata Party ke sath jude. To Zahoor bhai aur Umair bhai ka bhi bahut bahut swagat hai. Rais Ahmed Bhatt is the elder brother of late Gauhar Ahmed Bhatt, who was the district president of BJYM Shopian se the. Aur hum Yuva Morcha ka karyakram karte hi 7 dino mein unki hatya ki gayi. Aur aaj hamare saath unka parivar hai. To Rais bhai ko main mili bhi hu pehle aur unka swagat hai. Bahut bahut swagat hai. Disha is 29-year-old, a very, very special girl. Disha has Down syndrome, but is the inspiration behind Swami Brahmanand Pratishthan, a center for people for special needs. She has won 2 bronze medals in swimming in Asia Pacific Special Olympics 2013 in Australia, 1 silver medal at Special Olympics in Los Angeles. She has also won national award in dancing in 2000. Thank you, Disha. Thank you. बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much. Danveer Singh Bhatti is a basketball player. Hamare Rajasthan team ke captain the. He is a national gold medalist. Unka swagat hai. Yogesh Kanderia, fir se ek bar international basketball player hai. Hamare Rajasthan se hai. Sarang MC ne main 2 aur zaruri baatein kehna chahti hoon. Avtar Singh, जो ओलंपियन जूडो कॉमनवेल्थ एशियन मेडलिस्ट है. तुलिका मान, जो एशियन कॉमनवेल्थ जूडो एशियन मेडलिस्ट है. मिस्टर विजय यादव, फिर से एक बार ओलंपियन जूडो कॉमनवेल्थ एशियन मेडलिस्ट. मैं 2 और जरूरी नाम इसमें लेना चाहती हूँ. शैरन केवी. शैरन केवी इज अ स्टूडेंट फ्रॉम कन्नूर केरला. श्याम प्रसाद उनके भाई एबीवीपी के एक्टिविस्ट थे और एसडीपीआई ने उनका जनवरी 2018 में शैरन सारंग से भी बात हुई. सारंग के पिताजी संतोष कुमार जी आरएसएस के हमारे कार्यकर्ता थे और जिनकी सीपीएम काडर ने हत्या की. स्टार्ट टेकिंग द नेम्स फ्रॉम देयर. और उनको जेल किया गया था. राज बिहारी ने हर वक्त ये लड़ाई लड़ी और आज हमारे साथ हैं. उनका बहुत बहुत स्वागत है. मैं महाराष्ट्र से बुलाना चाहूँगा. एक ट्राइबल स्टूडेंट है, मनोहर गोपाल. ही क्लाइम द एवरेस्ट. एक 11 ट्राइबल स्टूडेंट्स का ग्रुप अभी एवरेस्ट क्लाइम किए थे. उसी टीम में से है ये, महाराष्ट्र से. एंड ही इज फ्रॉम मैं केरला से बुलाना चाहूंगा नितिन जेक जोसेफ. एक प्रोमिनेंट फिल्म एक्टर है. वो कोचिन से आया है आज इस कार्यक्रम में मेंबरशिप लेने के लिए. मैं बुलाना चाहूंगा मनप्रीत बुलर, बास्केटबॉल नेशनल मेडलिस्ट है. भरतपाल सिंह नेशनल बास्केटबॉल प्लेयर है. सुमित शुक्ला नेशनल हॉकी प्लेयर है. इन तीनों को भी. और वर्ल्ड
योगा में चैंपियनशिप लिए हुए तेजस्वी जी को मैं बुलाना चाहूंगा। और तेजस्वी जी दिव्यांग वर्ग से आते हैं और योगा का मास्टर है जी, पर जीता उन्होंने नॉर्मल कैटेगरी में है। और तेजस्वी जी के साथ उनका कोच है सर्वेश उपाध्याय जी। और यशपाल सोलंकी जी इधर है तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा। यशपाल सोलंकी जी इंडियन जूडो एकेडमी का कोच है। इसके अलावा मैं बुलाना चाहूंगा नॉर्थ ईस्ट से हमारा ये यशपाल सोलंकी जी अर्जुना अवार्डी है। और नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेटों से हमारे बीच में आए हैं, मैं बुलाना चाहूंगा जिम्मी मणिपुर से है और काजियो है मणिपुर से और लिडिया आई है इम्फाल मणिपुर से और क्रिस्टी है दिमापुर नागालैंड से और केरला से आए हैं हमारे माइनॉरिटी समाज से है वो बीजेपी अभी जुड़ रहे युवा है केरला से, उनका भी नाम मैं लेना चाहता हूँ। पहला है जेनी इडुकी डिस्ट्रिक्ट केरला से है और मैं बुलाना चाहूँगा जिस्मी कन्नूर डिस्ट्रिक्ट है केरला के और अनूप तंगचन ये भी माइनॉरिटी समाज से आते हैं, ये एर्नाकुलम केरला से आते हैं। सबिन सनी उनको भी मैं केरला से माइनॉरिटी समाज से है इनको भी मैं बुलाना चाहूँगा। और हमारा दिव्यांग समाज से तीन भाई आए हैं उनको भी मैं एक बहन भी है उनको भी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा। आइए आइए नाम पे बोलो आइए आप भाई हम जाएं वहां पे वही चले नाम बना ले अर्जुन जी अर्जुन जी साधु जी और मालती जी उनको भी मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा और मुरारी लाल जी मुरारी लाल जी आ सकते हैं मंच पे नहीं आ पाए बीजेपी के सदस्य बन गए और बहुत बधाई आपको। तो ये दिव्यांग समाज के बीच में ये काम करने वाले लोग हैं, इनका खुद का एनजीओ चलता है और ये दिव्यांग युवाओं के बीच में काम करने वाले लोग हैं जी जी। एक ग्रुप फोटो हो जाए आप बैठी जी पीछे एक ग्रुप फोटो हो जाए मेरे पास भी है मैं भी मेंबर हूँ। विकलांग लोग हैं उनको ये तो नीचे आ जाएगा। ये सिर्फ शुरुआत है, कल से हमने इसकी शुभारंभ किया था 11 अगस्त तक। मोबाइल में आपने वो किया है? आप सभी लोग अपना मोबाइल सभी मोबाइल पे बोला था कि नहीं आएंगे दिखाएं मीडिया को करेंगे करेंगे। और कोई है क्या कश्मीर से या कोई कपिल हु हैज इट एंड आर वी पुटिंग 11 अगस्त तक ये पर्व रहेगा और हम सबको अलग अलग सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी युवाओं के साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी काफ़ी वकील लोग आए हुए हैं, वो लोग भी आज सुमन झा जी मनीष कुमार जी ये लोग भी आज बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आए हैं।